टू प्रूव, अगर आपके पास ये एक वाटर का टैंक है, आपने इसमें दो होल्स किए, एक आपने किया H1 हाइट पर, एक आपने किया H2 हाइट पर, सच दैट लिक्विड निकला एक ही जगह पे गिरा, तो रेंज की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, गिवन है। तो प्रूफ करो इन दोनों का सम H1 और H2 कैपिटल H के इक्वल होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वैसे मैं सब्जेक्टिव बना के लाया हूँ। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, रेंज सेम है। आप कुछ मत करो, रेंज सेम कर दो। आप फर्स्ट होल की रेंज बोलो क्या लगाओगे, 2 × अंडर रूट ऑफ होल के नीचे की हाइट H1 और होल के ऊपर की हाइट क्या बनेगी, कैपिटल H-H1। और इसकी रेंज क्या होगी, 2 × अंडर रूट ऑफ H2 × कैपिटल H-H2। रेंज बराबर कर दी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। स्क्वेयरिंग करो, सॉल्व करो, आंसर हमें आता क्या है, रेंज इक्वल करनी आती है, हमने रेंज इक्वल कर दी, अपने आप ही ऑप्शन मैच कर जाएगा और मैंने सब्जेक्टिव बनाया तो प्रूव हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे रेंज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें? ठीक,